और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बुलडोजर जस्टिस का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद असम के 47 निवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो हुई है, और उसी को लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर असम सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते में असम की सरकार से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं, यानी कि फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश में कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अगर ऐसा करना ज़रूरी भी होगा तो पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आदेश का की अवमानना हुई है। 47 निवासियों के घरों पर असम में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आशीष भार्गव हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला, और यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर 47 लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये देखिए, ये 47 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इनका ये कहना है कि वहाँ पर सोनापुर आसाम में जगह है, वहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई करे। और इसके बाद आज भी ये सुनवाई के लिए आए थे तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि अभी भी बुलडोजर कार्रवाई वहां पर चल रही है। इसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन केवी विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को नोटिस जारी किया है अवमानना याचिका पर और उनसे 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही साथ कहा है कि वहां पर अब यथास्थिति बरकरार रहेगी अगली सुनवाई तक, यानी कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। तो फिलहाल 3 हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि जो मेन मैटर है जिस पर सुनवाई चल रही है, जिस पर बुलडोजर जस्टिस पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, उस मामले की सुनवाई इसी हफ्ते में होनी है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई सड़क पर इंक्रोचमेंट हो या वाटर बॉडी पर इंक्रोचमेंट हो, रेलवे की जमीन पर इंक्रोचमेंट हो, इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं है, बाकी सब कार्रवाई पर फिलहाल रोक रहेगी। तो ये एक बड़ा मामला है जिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। जी।